नमस्कार, मेरा नाम है अमित। वेलकम टू दिस चैनल। आज के टॉपिक में हम बात करेंगे सिविल केस, सिविल सूट, प्लेंट या सिविल दावा। वो फाइल होती किन ग्राउंड्स पे खारिज हो सकता है? वैसे तो सिविल सूट को तय होने में वर्षों लग जाते हैं, काफ़ी साल निकल जाते हैं, लेकिन अगर सोचिए वही सिविल सूट अगर फाइल होती डिसमिस हो जाए तो ऐसी स्थिति में ऑपोजिट पार्टी, जिसे हम डिफेंडेंट भी कहते हैं, उसके लिए कितने रिलीफ की बात है। तो आज के इस टॉपिक में हम उन 6 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जिनके आधार पर एक सिविल सूट को इनिशियल स्टेज पे ही डिसमिस किया जा सकता है। सो लेट्स स्टार्ट विदाउट एनी फर्दर अडू। और हाँ, प्लीज उस सब्सक्राइब के रेड बटन को प्रेस करना मत भूलना। जिन 6 रूल्स के बारे में हम बात करेंगे वो सिविल प्रोसीजर कोड के ऑर्डर 7-11 में दिए गए हैं। फर्स्ट रूल के अकॉर्डिंग, जो सिविल केस फाइल हुआ है, अगर उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन नहीं है, या हम उसे कहें कि उस केस को फाइल करने का कोई वाद कारण ही नहीं है, इसे दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि उस सूट को या उस सिविल केस को या उस प्लेंट को पढ़ने से ऐसा लगता है कि इस सूट का कोई पर्पज ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में ये सूट इस आधार पर खारिज हो सकता है कि उसमें कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज ही नहीं हुआ। कॉज ऑफ एक्शन होता क्या है? ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कॉज ऑफ एक्शन को स्वामी आत्मानंद के केस में डिफाइन किया। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि कॉज ऑफ एक्शन एक फैक्ट्स का बंडल होता है जिसमें काफ़ी सारे फैक्ट्स इंक्लूडेड होते हैं, और जो व्यक्ति केस लाता है उन्हें इन सभी फैक्ट्स को प्रूव करना होता है। जब वो इन फैक्ट्स को प्रूव कर देता है तो ऐसी स्थिति में जो उसने कोर्ट से रिलीफ डिमांड किया है वो रिलीफ कोर्ट द्वारा उसे दे दिया जाता है। इस इशू को या इस रूल को समझने के लिए हम एक जजमेंट का सहारा लेते हैं ताकि कॉज ऑफ एक्शन को और तरीके से समझा जा सके। कोर्ट के सामने एक इलेक्शन रिलेटेड डिस्प्यूट आया, उसमें एक कैंडिडेट ने 617 वोट लिए, एक कैंडिडेट जो जीता था उसने मोर देन 2 लाख वोट लिए। तो जो कैंडिडेट इस इलेक्शन को हार गया था उसने कोर्ट में इलेक्शन पिटिशन फाइल की और ये कहा कि बैलेट पेपर में मेरा नाम मिसप्रिंट है, हालांकि उसे जो सिंबल अलॉट हुआ था वो बिल्कुल सही था। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि आपके सिर्फ 617 वोट हैं और जो विनिंग कैंडिडेट है उसके 2 लाख से ऊपर वोट हैं। ऐसी स्थिति में यहाँ पे कोई कॉज ऑफ एक्शन अराइज नहीं होता है, और जहां तक नाम की बात है वो भी मिसप्रिंट नहीं हुआ था। इस जजमेंट की डिटेल आपको स्क्रीन पे नजर आ रही होगी। ये जजमेंट समर सिंह के नाम से है, जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। सेकंड रूल देखते हैं। सेकंड रूल के अकॉर्डिंग, जो सिविल सूट फाइल किया गया है उसमें जो रिलीफ कोर्ट से मांगा गया है उसकी वैल्यू अगर कम लिखी गई है, यानी कि जितनी वैल्यू का वो सूट था उससे कम वैल्यू उसमें लिखी गई है, और कोर्ट द्वारा जिस व्यक्ति ने केस फाइल किया, जिसे हम प्लेंटिव भी कहते हैं, उसे उस वैल्यू को ठीक करने के लिए कुछ समय दिया गया, और उस समय में वो प्लेंटिव उस वैल्यू को ठीक नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सूट को उसी स्टेज पे रिजेक्ट किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल, जो रिलीफ सिविल सूट में क्लेम किया गया है, सपोज करें उसकी वैल्यू 400 रुपीज़ है, लेकिन जो प्लेंट फाइल हुई है, जो सिविल केस फाइल हुआ है, उसमें उसकी वैल्यू 300 रुपीज़ दिखाई है, और ऑनरेबल कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए कि इस 300 को 400 कीजिए, लेकिन फिर भी प्लेंटिव उसे उस समय में जो कोर्ट ने उसे दिया है नहीं कर पाता है, तो ऐसी स्थिति में उस सूट को रिजेक्ट किया जा सकता है। थर्ड रूल देखते हैं। जो सिविल सूट फाइल किया गया है उसमें जो रिलीफ कोर्ट से मांगा गया है उसकी वैल्यू तो ठीक बताई है, लेकिन सिविल सूट जितने स्टैम्प पेपर पे फाइल किया जाना था उतने पे फाइल नहीं किया गया है, तो ऐसी स्थिति में कोर्ट प्लेंटिव को ये डायरेक्शन देता है कि वो जो स्टैम्प पेपर हैं, जो इनसफिशिएंट स्टैम्प पेपर हैं, उनको कंप्लीट करें, और उस दिए गए टाइम में अगर सफिशिएंट स्टैम्प पेपर सबमिट नहीं किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में उस सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। जो रूल 2 और 3 है, इनका एक प्रोविजो भी है। इसमें ऑनरेबल कोर्ट को ये पावर होती है कि जो टाइम लिमिट ऑनरेबल कोर्ट द्वारा तय की गई है उसे कोर्ट एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसिस में एक्सटेंड कर सकता है। फोर्थ रूल देखते हैं। ये रूल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस रूल के अकॉर्डिंग अगर उस सिविल केस को पढ़ने से ये कंक्लूजन निकलता है कि ये केस तो किसी लॉ द्वारा फाइल किया जाना वर्जित किया गया है, ऐसे केस को फाइल किया जाना लॉ द्वारा बार है, तो ऐसी स्थिति में ऐसे सिविल सूट को, सिविल केस को तुरंत रद्द किया जा सकता है, डिसमिस किया जा सकता है। इस रूल को और अच्छे से समझने के लिए मैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आपके साथ शेयर करता हूँ। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने एक डिस्प्यूट आया, उस केस में एक पार्टी ने अपनी लैंड दूसरी पार्टी को सेल कर दी। ये सेल 2009 में हुई थी। उसके बाद जो दूसरी पार्टी थी उसने उसी लैंड को थर्ड पार्टी को 2014 में सेल कर दिया। इसके बाद वो पार्टी जिसने इनिशियली ये लैंड 2009 में सेल की थी
उसने कोर्ट में ये केस फाइल किया कि 2009 में जब उसने लैंड सेल की थी तो उस लैंड के कंसिडरेशन के अकॉर्डिंग जो उसे चेक अमाउंट दिया गया था, जो चेक अलग अलग दिए गए थे, उन चेक का पेमेंट उसे नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में 2009 में जो उसने सेल किया है उसे कैंसिल किया जाए। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में यह तय किया कि सेल डीड जो कैंसिलेशन का दावा है वो 3 ईयर्स में ही लाया जा सकता है। यहाँ पे ये सूट आफ्टर 3 ईयर्स फाइल किया गया है, इसलिए ये लिमिटेशन से बाहर है, ऐसे सूट को फाइल नहीं किया जा सकता। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस सिविल सूट को डिसमिस कर दिया। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट दही बहन वर्सेज अरविंद भाई के नाम से है, जो आपको ऑनलाइन आसानी से मिल जाएगा। बार्ड बाय लॉ का एक एग्जाम्पल और लेते हैं। एक आदमी ने घर बनाने के लिए बैंक से लोन लिया, लेकिन वो समय पर बैंक की किस्तें नहीं चुका पाया। इस पर बैंक ने उसके हाउस का पोजीशन ले लिया। इसके खिलाफ उस आदमी ने सिविल कोर्ट में सिविल सूट फाइल कर दिया कि बैंक ने जो पोजीशन लिया है वो गलत लिया है। लेकिन यहाँ पे ये सिविल सूट इसलिए नहीं कैरी कर सकता क्योंकि जहाँ पे लोन का मामला होता है वहाँ सरफेसाई एक्ट लागू होता है, और उस एक्ट में ये बैन है कि सिविल कोर्ट को इस तरह के मामले सुनने का अधिकार नहीं है। इस तरह के मामले केवल मात्र डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल में सुने जा सकते हैं, और उस केस को इस आधार पर ही रद्द किया जा सकता है क्योंकि वो सिविल कोर्ट में फाइल किया गया है। रूल 5 देखते हैं। रूल 5 के अकॉर्डिंग अगर सिविल सूट को 2 कॉपीज में पेश नहीं किया गया है तो ऐसी स्थिति में ऐसे सिविल सूट को इसी आधार पर रद्द किया जा सकता है। रूल 6 देखते हैं। रूल 6 के अकॉर्डिंग अगर कोर्ट द्वारा डिफेंडेंट्स को समन इश्यू कर दिए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में प्लेंटिफ की ड्यूटी होती है कि वो प्लेंट्स की इतनी कॉपी कोर्ट में फाइल करे जितने की डिफेंडेंट्स हैं। अगर 7 डेज में वो ऐसी कॉपीज फाइल नहीं कर पाता है और उसके साथ जो रिक्वायर्ड फीस होती है वो फाइल नहीं कर पाता है तो ऐसी स्थिति में ऐसे सूट को डिसमिस कर दिया जाता है। हमने ये 6 रूल्स देखे जिनके आधार पर सिविल सूट को इनिशियल स्टेज पर डिसमिस किया जा सकता है। ऑर्डर 7 रूल 11 में ये एप्लीकेशन सिविल सूट के किसी भी स्टेज पर लगाई जा सकती है। ये सिविल सूट फाइल होते भी लगाई जा सकती है, इश्यू फ्रेम होने के बाद भी लगाई जा सकती है, एविडेंस की स्टेज पे भी लगाई जा सकती है, इवन फाइनल आर्ग्यूमेंट की स्टेज पे भी लगाई जा सकती है। इस संबंध में कोई समय सीमा या कोई स्टेज फिक्स नहीं है। ऑर्डर 7 रूल 11 में जो एप्लीकेशन फाइल होती है अगर ये रिजेक्ट हो जाती है तो इसे हायर कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अलग मोड है। अगर ये अलाउ हो जाती है तो इसे हायर कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अलग मोड है। हम इस इश्यू को भी देख लेते हैं। अगर ऑर्डर 7 रूल 11 में एक एप्लीकेशन फाइल हुई और ये एप्लीकेशन डिसमिस हो गई तो ऐसी स्थिति में इस ऑर्डर से अगर कोई अग्रीव्ड है तो इस ऑर्डर के खिलाफ रिवीजन फाइल होती है। वहीं अगर ऐसी एप्लीकेशन फाइल होने पर वो एप्लीकेशन अलाउ हो जाती है, मीनिंग देयर बाय उस सिविल सूट को अगर रद्द कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में उस ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए अपील करनी होगी, क्योंकि ऑर्डर 7 रूल 11 में जब कोई एप्लीकेशन अलाउ होती है तो वो डिक्री कहलाती है और डिक्री की CPC के अकॉर्डिंग अपील फाइल होती है। ऑर्डर 7 रूल 11 के इस टॉपिक को यहीं कंक्लूड करते हैं। जल्द ही मैं आपसे मिलूंगा एक और नए इंटरेस्टिंग लीगल टॉपिक के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यह तो धर्मस्ततो जय है।